जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ खोला मोर्चा। ब्लॉक प्रमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, फर्जी साइन करके कोरम पूरा करने का भी लगाया आरोप। अधिकारियों को दिया ज्ञापन, ब्लॉक प्रमुख ने सिरे से नकारे आरोप। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है दराल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है दराल फूड कोर्ट। दराल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। दराल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर इस बात की, जल्द ही बुक करें दराल फूड कोर्ट। क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहित भारती व संदीप रावत के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्य एकत्र होकर ब्लॉक तथा उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ब्लॉक के करीब 1 दर्जन से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लामबंद हुए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर सरकारी धन के गबन तथा भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर अभद्रता व गाली गलौज जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। सभी गंभीर आरोपों को लेकर करीब 2 दर्जन से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी सिधौली तथा उप जिलाधिकारी सिधौली को पत्र देकर एवं जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की। बताते चलें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत तथा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे BDC रोहित भारती के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लामबंद हुए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी सिधौली तथा उप जिलाधिकारी सिधौली को लिखित ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबख्श रावत द्वारा 120 सोलर स्ट्रीट खराब गुणवत्ता वाली लाइटें लगवाई गयी जो रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच अपने आप स्वतः बंद हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब गुणवत्ता होने के कारण अवर अभियंता द्वारा इसका मापांकन तक नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाते हुए बताया कि दबंगई के जोर पर बिना MB के ही भुगतान भाजपा ब्लॉक प्रमुख द्वारा करवा लिया गया है। इस कार्य पर लगभग 40,000 रुपए की धनराशि फर्जी तरीके से निकाल ली गई। ऐसा भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराए गए इंटरलॉकिंग खड़ंजा, नाला नाली निर्माण आदि में मानक विहीन सामग्री का उपयोग किया गया, जहां पर इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई गई थी वह 1 साल के भीतर ही कई जगह से जर्जर हो गई हैं और टूटकर बेकार हालत में हो गई हैं। सभी ने आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि मानव विहीन सामग्री का प्रयोग करने के बाद फर्जी तरीके से अवैध धनराशि भी निकाल ली गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशील रावत ने बताया कि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 3 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अनुपस्थित होने के बावजूद उनके फर्जी हस्ताक्षर बनवा लिए गए तथा योजना पास करा ली गई। मैं सुशील रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य अपोहरा और सरसौली। हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी बैठकें होती हैं वो शासनादेश के अनुरूप होते हैं। जैसे शासनादेश के अनुसार 6 बैठक होनी चाहिए, लेकिन तीन साल में सिर्फ 3 बैठक हुई हैं, जबकि 18 बैठक होनी चाहिए। तो फर्जी साइन बना लिए जाते हैं वहाँ। BDC जो है उनके पक्ष में नहीं, उनका जो है मानदेह तक का मानदेह नहीं लगा हुआ, जबकि 2 बार हमारे साइन है, रजिस्टर पर साइन दर्ज है, लेकिन हमारा एक भी बार का मानदेह नहीं लगाया गया है।
जो पिछली बैठक हुई थी जनवरी फरवरी उसका भी मानदेय भी नहीं आया हुआ है, कुछ लोगों को एजेंडा ही नहीं मिल पाया है। इस पर आज से पहले भी आप लोगों द्वारा कोई लिखित सीडीओ, हमने सीडीओ साहब को माननीय जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया था पिछली बार, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके रोहित भारती ने बताया कि विकास खंड द्वारा समिति के सदस्यों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई कि किस समिति के वह सदस्य बने हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 वर्षों में 3 बैठकों का मानदेय प्रमुख द्वारा किए गए पक्षपात के कारण कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ही भुगतान किया गया, जबकि बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय एवं भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप इससे पहले ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भी रहे, आज फिर आपके नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या प्रकरण है? नहीं, नेतृत्व तो हम सभी बीडीसी का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पिछले 3 साल हो रहे हैं ब्लॉक प्रमुख बने हुए यहाँ से धोली ब्लॉक के ब्लॉक रामबख्श जी को। स्थिति ये आ गई है सिधौली ब्लॉक की कि पूरा ब्लॉक विकास से एकदम पीछे हटा हुआ है, कहीं पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति बीडीसी की है। ये हमारा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है जो चुनाव जीत के आता है, आज वो स्थिति इन्होंने कर दी है। उसके क्षेत्र में जब कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो कहाँ किससे वोट मांगेगा, किसके लिए समर्थन करेगा और क्या करेगा। मैंने देख, आप इसकी जांच कराइए। मैं कई बार इस प्रकरण को लेके डीएम साहब के पास, पूरे साल भर में 6 बैठकें होती हैं, जबकि हम लोगों की 3 साल में केवल 3 बैठक हुई हैं, जिसमें उनके जो 10-20 बीडीसी हैं केवल उनका जो भत्ता आता है, उसके अलावा किसी का भत्ता नहीं मिलता है। साथ ही 3 बैठक जो हुई हैं उसमें किसी भी बैठक में कोरम नहीं पूरा है, लेकिन लगातार कार्य योजनाएं पास हो रही हैं। उसका कारण यह है कि सारे जब बैठक खत्म होने के बाद सारे साइन फर्जी कर लिए जाते हैं, साइन फर्जी कराने के बाद उनसे कार्य योजना पास हो जाती है। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यह है कि वहाँ जो समितियाँ बनी हैं वो समितियाँ भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जानकारी में ही नहीं है कि कौन सा क्षेत्र पंचायत सदस्य किस समिति का है। जो सदस्य है समिति का वो जान ही नहीं रहा ही नहीं है। हाँ, कि मैं इस समिति का सदस्य हूँ। मैं भी टोटल आप समझ लीजिए, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम है कि समिति ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार की हद खत्म हो चुकी है। कोई भी कार्य, कोई भी बैठक, कोई भी मानक, टोटल कुछ भी आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, सब चीज़ें मानक विहीन है, भ्रष्टाचार से लिप्त है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी पूर्णतया और निष्पक्ष जाँच कराएँ। एक बार जांच करा के देखें, उनको सारी चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। इस क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत सदस्य त्राही त्राही कर रहा है, काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके, और हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही। अगर ऐसा हम लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया है, अगर इस पे शासन प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो 3 दिन के बाद हम लोग ब्लॉक में बैठ जाएंगे वहीं पर दरा बिछा के, और हमारी जो भी आवश्यकताएँ हैं, जो भी ज़रूरतें हैं क्षेत्र के हित के लिए, वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने आज ये वीडियो साहब से भी बोल दिया है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और यही बात मैं एसडीएम साहब के सामने। क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रमुख के पक्षपात रवैये के कारण विकासखंड सिधौली में असंख्य वार्डों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा भाजपा ब्लॉक प्रमुख से बात करने पर अभद्र भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने आप को अपमानित एवं छला हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य नया गाँव रायपुर देव सिंह। यहाँ आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि ब्लॉक प्रमुख विगत 3 वर्षों से हमारे जो क्षेत्र में विकास कार्य उसको बाधित कर रहे हैं, मतलब कोई विकास कार्य हमारे वार्डों में नहीं हो पा रहा है। आज अगर जिसका हुआ भी है वो मानक विहीन हुआ, जैसे हमारे वार्ड में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वो रात को 10 से 11 बजे के बीच में रात में बंद हो जाती है, और जहाँ पर वो लगी है और उसके चारों ओर अंधेरा हो जाता है, वहाँ पर चौराहा टाइप का दुकानें भी रहती हैं, और जो वीडियो कैमरा वगैरह में लगे हैं तो उसमें रात में जब लोग निकलते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, समस्या होती है। और हमारे एक वार्ड में एक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण हुआ था जुलाई या अगस्त में जो हुआ था, जो उसका रोड़ा पत्थर बालू रोड है वो मेरे वार्ड में बनी थी और उस पर पत्थर जो है किसी दूसरे वीडीसी के नाम का। सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उप जिलाधिकारी सिधौली तथा खंड विकास अधिकारी सिधौली को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर यह गंभीर आरोप क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिनके नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं तथा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसी समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रावत को जीत मिली थी। जीत मिलने के कुछ समय बाद ही रामबख्श रावत ने भारतीय जनता पार्टी में अपने घर वापसी कर ली। हालांकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने से पहले वह भारतीय जनता पार्टी के ही सक्रिय सदस्य एवं पदाधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में
उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा से बगावत की तथा सपा से टिकट लिया एवं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें जीत मिली थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा यह ज्ञापन पहली बार नहीं दिया गया। इससे पहले भी रोहित भारती के नेतृत्व में कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ज्ञापन दिया था तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात हो गई थी। दावा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद रहे कौशल किशोर से भी ब्लॉक प्रमुख को हटाने तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी, जिस पर पूर्व सांसद कौशल किशोर ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डांट लगाई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। एक बार फिर से सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लामबंद हुए हैं तथा भाजपा ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने बताया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा लगाए गए सभी आरोप असत्य एवं निराधार हैं। जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है, उन सभी को कार्य योजना के तहत विकास कार्य दिए गए तथा सभी के क्षेत्र में विकास के काम करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह लोग सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। यदि उन लोगों ने अधिकारियों को जाँच के लिए ज्ञापन सौंपा है तो अधिकारी जाँच करें, हम अधिकारियों की जाँच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी ही पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लामबंद क्यों होना पड़ा। दबी जुबान लोगों में चर्चाएं तो यह भी होने लगी हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अब भाजपा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ तख्ता पलट की तैयारी में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख को भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी रहे रोहित भारती तथा भाजपा से ही ताल्लुक रखने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों हटाना चाह रहे हैं। आज जो ज्ञापन क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा सौंपा गया है, उसमें पर्दे के पीछे कौन खिलाड़ी है और वाकई भाजपा ब्लॉक प्रमुख को उनकी कुर्सी से कौन हटाना चाहता है, या तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही तख्ता पलट की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व रामू शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।